तीनों का बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू कपिल. कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ. बाप रे बाप रे, धन्यवाद. थैंक यू. बस ठीक है. आप कैसी हैं? ये दोनों पहलवान से तो हाथ मिलाते मुझे डर लग रहा था कि ऐसे करके ऐसे ना कर दें. मनिका, आपसे थोड़ा डर मुझे कम लगा. पाजी क्या मतलब, मैंने आपको हमेशा ही ना पहलवानों वाले कपड़ों में देखा है, आज आपको सूट बूट में देखा ना. शर्ट तो देखो फट रही है ऐसे, मतलब बंदे की बॉडी देखो कितना. आपने मौका ही आज दिया दिखने का. कैसी हैं आप साक्षी? मैं बहुत बढ़िया, आप बताओ कैसे हो? बहुत अच्छी जी. मुझे लोग कई कई बार बोलते हैं कि आपके शो में जो महिला जो आती हैं सेलिब्रिटीज, तो आप उनसे फ्लर्ट किया करें. मैं ना वो हम वैसे ही करते हैं साक्षी, मेरी बहन. हम लोग ऐसे ही मस्ती मजाक करते हैं. हमारी कहाँ हिम्मत ऐसे घुटने में सर दे के हमारा खोपड़ खोल दे. तो साक्षी आप स्कूल टाइम से रेसलिंग करती हैं? हाँ, मैं स्कूल टाइम से रेसलिंग करती हूँ. मैंने 7th स्टैंडर्ड से शुरू किया था. वाओ. हाँ. तो स्कूल में कभी आपकी सहेलियां बोलती नहीं थी मेरा उससे लफड़ा हो गया, पीट दे उसको, ऐसे ऐसे कभी ऑफर आई? मैं आपको बताना चाहूंगी कि वैसे मेरा नेचर बहुत शांत है, मैं कभी लड़ाई झगड़ों में नहीं पड़ती. शांति तो ये कभी मत सोचना आप लोग कि रेसलिंग वाले बाहर भी मतलब सबसे लड़ाई झगड़ा करते होंगे. नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है जी. आप तो ऐसे ही रहें, शांति रहें आप. रेसलिंग की बात चल रही तो योगेश्वर के घर में उनके मम्मी पापा दादा दादी सब टीचर हैं. योगेश्वर अकेले पहलवान निकले, तो पढ़ाई लिखाई से ज्यादा मार्क कुटाई में ध्यान था क्यों योगेश्वर? मैंने देखा ही ब्रॉन्ज मेडल था, इसलिए मैंने ब्रॉन्ज मेडल की सोची. अच्छा, इसमें रिंडरपेस्ट की गलती है. अगर वो गोल्ड जीते तो शायद मैं गोल्ड ही सोचता, मैं गोल्ड जीता. अभी वो बिंद्रा का गोल्ड आया, वो 2012 में आया. वो शायद अगर क्षण में आता तो मैं शायद गोल्ड जीतता. इसलिए आप सभी से यह कि आप अपना मकसद बड़ा बनाइए, आप वहां तक जरूर पहुंचोगे. बिल्कुल, बहुत बहुत सही बात कही आपने. मनिका के बारे में बता दूं कि ये भी बचपन से ही टेबल टेनिस खेल रही है. आई थिंक 5 इयर्स, 4 साल की उम्र में. यस. तो उस समय कैसे टेबल पे चढ़ के खेलती थी क्या? कि पापा गोद में उठा के खिलाते थे, कैसे खेलती थी आप? नहीं, एक्चुअली तब हमारे जब टाइनी टॉट्स होता है एक इवेंट, तब हमारे लिए छोटी टेबल होती है. Oh. अच्छा, बच्चों वाली? यस, मतलब बच्चों वाली नहीं, इतनी टेबल होती है उस पे. बच्चों वाली होगी इतनी टेबल. आप सबको पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूँ कि साक्षी जो है इनकी शादी हो चुकी है और इनके हस्बैंड भी रेसलर ही हैं. इसमें कोई वैसे हैरान होने वाली बात नहीं, एक पहलवान का हाथ पहलवान ही पकड़ सकता है. तो इनके हस्बैंड भी यहाँ पे मौजूद हैं. सर बहुत बहुत स्वागत है आपका. ये जो पेंट आपने पहनी है ये डिजाइन ही ऐसा कि आपके घुटना इतना मजबूत है कि फट गई है. आज ये ज्यादा मेहनत करने से है ना, हमारी थाई मोटी होगी तो ये फंसी ही नहीं. मैं जैसे ही पहनने लगा ये फट गई. अच्छा, आपकी जब शादी हुई साक्षी तो 7 फेरे हुए थे कि दंगल हुआ था? नॉर्मल शादी जैसी ही शादी हुई थी. अच्छा, 7 फेरे हुए थे पूरे. तो आपकी शादी में तो बड़े पहलवान, खाना ही बड़ा लगा होगा आपका तो, है ना? कितने पहलवान आए होंगे? तो आप मतलब लव मैरिज हुई आपकी, अरेंज मैरिज? दोनों ही लगा लो. कंफ्यूज्ड? नहीं, दोनों ही है. घर वालों, पहले हमारी बातचीत थी, हम सेम स्पोर्ट्स में हैं. अच्छा जी. तो साथ में बाहर कॉम्पिटिशंस जाते थे, बातचीत हुई, फिर घर वालों को बताया तो वो भी बहुत खुश थे. चलिए, बहुत अच्छी जोड़ी आपकी, ईश्वर आपको हमेशा खुश रखे. योगेश्वर, एक तो आप पहलवान, ऊपर से हरियाणा पुलिस में DSP हैं. एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर आपको कोई मुजरिम मिले, उसे हथकड़ी लगा के कोर्ट में ले जाओगे कि लंगोट पहना के मैदान में लेके आओगे? उसको लंगोट तो बंदवाएंगे, पर दोनों काम जरूर कर लेंगे. थोड़ी कुश्ती भी कर सकते हैं, क्योंकि पुलिस में है तो पुलिस का काम भी करेंगे, पर उसको दिखाएंगे कि किसी पहलवान से और वो भी DSP, दोनों एक साथ है, उसको अपनी थोड़ी पावर दिखानी पड़ेगी जिससे आगे वो गलती ना करे. थोड़ी दिखाना, आपकी थोड़ी भी काफी होती है. मनिका, अर्चना जी का सवाल था, कह रही थी कि आप आपके लेवल पे, जिस लेवल पे आप खेल रही हैं, फिटनेस का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, पर हैं तो आप लड़की, ऊपर से दिल्ली की, तो जब कभी सड़क पे जाते हो गोलगप्पे वाली रेहड़ी देखती हैं तो कंट्रोल कर लेती हैं कि उतर के बोलती भैया बनाओ ना एक तीखा, ऐसे होता है? ऑनेस्टली नहीं, मैं कंट्रोल नहीं कर पाती, क्योंकि गोलगप्पे मुझे बहुत अच्छा लगता है. पानीपुरी बहुत अच्छी लगती है? यस. और ये रेहड़ी वाले को ज्यादा अच्छी लगती है ना? हाँ. कभी आप 5-star होटल में खाओ, उसका इतना मजा नहीं आता. वो जो ऐसे 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 पूरा शुक्र है चैनल ने मुझे शो दे दिया, नहीं तो मेरा आइडिया तो था उधर. हाँ, कस्टमर्स की जो वैरायटी बड़ी अच्छी है, मतलब हर तरह की लेडीज आती हैं आपके पास, लड़कियां आती, महिलाएं आती गोलगप्पे खाने. या ऑनेस्ट टू मैं. अच्छा, योगेश्वर जो है ना, वैसे बड़ी शाई नेचर के हैं, इसलिए मुझे लगता नहीं इन्होंने कभी किसी को प्रपोज किया होगा,
किया भी होगा तो ये बताएंगे नहीं, क्योंकि इनकी मिसिज जो है वो भी यहाँ पे मौजूद है। पर वैसे योगेश्वर, आपके जो फैंस हैं, आपको फॉलो करते हैं, वो जानना चाहते हैं, कभी ऐसा हुआ कि किसी फीमेल फैन ने आपको कहा हो कि योगेश्वर योगी मुझे आप बहुत पसंद है, मुझे अपनी बलशाली भुजाओं में कैद कर लो? है कभी है? शीतल जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। योगेश्वर वर्ल्ड फेमस रेसलर है और आपके पति हैं, मुबारक हो, अच्छा मिल गया आपको। आजकल मार्केट में अच्छा कम ही आ रहा है सामान। तो आप, आपको पता था शादी जब आपकी हुई या होने वाली थी या रिश्ते की बात चली, आपको पता था ये देश के लिए खेलते हैं? हाँ जी, ये अच्छा, मेरे पापा के तभी तो शादी हुई, मना नहीं कर देती। तो क्या आपके पापा क्या कहते? फेवरेट। आपके पापा के फेवरेट, उनको शौक होगा कुश्ती का? हाँ जी, वो चाहते थे कि मेरी बेटी की शादी इनसे हो। वाओ। हाँ जी, तो इतना नहीं था कि मैं मैच देखती थी इनके। अच्छा जी। लेकिन मेरे पापा जी जबरदस्ती बैठा के दिखाते थे। अच्छा जी। मनिका, आपका कोई प्लान है अभी? अभी तो कोई नहीं है, अभी देखते हैं, आप कोई ढूंढ दो। आपको मुझे लगता है इतनी हाइट वाला लड़का अभी तक मिला नहीं होगा कि नहीं? नहीं, ढूंढ रही हूँ पर शौक नहीं है अभी शादी का। हाँ। करना ही मत, खेलना है अभी। मैं बोल रहा हूँ जिस दिन शादी होती है उसी दिन ही अच्छा लगता है, मेहमान आए रहते हैं, जब सभी खा पी के निकल जाते ना, फिर जब बिल वाले आते ना कि उसका टेंट वाले का इतना, उस समय बिल्कुल मजा नहीं आता। तो वेरी गुड, आपकी वाइफ देख रही होंगी, काट देना ये फिर। आपको मालूम है जब भी हम लोग के इधर गेस्ट लोग आते हैं ना, मैं ऐसा हाथ जोड़ के नमस्ते करती है, लेकिन आप लोगों के लिए ना हाथ खोल के पुशअप मारी। कैसे कर लेते आप? हम तो एक दो में। योगेश्वर जी कैसे? बढ़िया जी, घर पे सब पुशअप दंगल? कुशल मंगल होता है। नहीं, वो पहलवान लोग हैं ना, उनके घर पे पुशअप दंगल ही रहते हैं। अभी हम लोग के घर पे हम लोग पार्टी वीटी करते तो गजल नाइट रखते, ये लोग दंगल नाइट रखते मालूम है। दंगल नाइट क्या होती है सबरा? दंगल नाइट में कैसे सिंगर लोग को बुलाते है, हाँ। उनको हारमोनियम देते है और वो लोग लंगोट पहन के गाना गाते है। और इनके डर से रुकते भी नहीं, गाना ही पढ़ते हैं उन लोग को। अच्छा, मेरे को आप लोग से एक सवाल था, मतलब आप लोग ये लाइन में कैसे आ गए आप लोग? नहीं सच्ची में, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में इनके बहुत रिश्तेदार लोग हैं। इनके कौन से रिश्तेदार हैं? अभी साक्षी मलिक के अनु मलिक, अरमान मलिक भाई लोग हैं। और ये मनिका बत्रा भी, पूजा बत्रा जो मॉडल है, इनकी बहनीच लगती एकदम। और योगेश्वर दत्त जी, ये तो पक्का संजय दत्त के भांजे रहेंगे। हाँ सच्ची में, और भांजे लोग तो मार्केट में आजकल कमाल भी कर रहे ले। तो मतलब अर्चना पूरन सिंह विजेंद्र सिंह की रिश्तेदार हुई? कुछ भी बोलते हैं तू। इनका एक ही भाई है, बिंदु दारा सिंह। अच्छा सर, मेरे को ना आप लोग को सजेशन देने का था, मतलब आप लोग जब ऐसा कुश्ती विश्ती लड़ते है ना, तो मतलब ऐसा रिंग के अंदर आप लोग मच्छरदानी यूज किया करो। मच्छरदानी क्यों लगाएंगे भी? अरे मैं इन लोग को देखिए कुश्ती लड़ते ना, ऐसे ऐसे करके मच्छर ही मारते रहते पहले। ऐसा ऐसा करते। अरे वो इनका स्टाइल होता है, दाव होता है ऐसे ललकारते। अच्छा दाव रहता है? हाँ। ओ तो शिखर धवन को आप ही लोग ने दाव सिखाई ले। मैं देखिए कप्पू सच्ची में, वो जब भी कैच पकड़ता है ना, ऐसा करके ऐसा ऐसा करता है। अरे मेरे को अभी दिमाग में, वो एम्पायर को बोलता रहेगा, उसको हुल देता रहेगा, बोलता रहेगा आउट बॉल, वरना दो दो हाथ हो जाए तेरे साथ में। लेकिन सच्ची बोलू कप्पू, क्या मेरे को ना एक चीज अच्छी नहीं लगी। क्या? ये पहलवान लोग ना थोड़े बेवफा रहते रे। ए, कैसी बातें कर रही तू? हाँ सच्ची में, मैं देखिए ये क्या करते, रिंग के अंदर खुद दोस्ती का ऐसे हाथ बढ़ाते, हाँ। फिर सामने वाला बढ़ाता है तो उसको पटक देते हैं। साक्षी जी, मेरे को आपको पूछने का था, मतलब इतना घी दूध पीते इतना बॉडी बना ले, आप कैजुअल मत लो चीजों को। सच्ची बोलती, मैं खुद देखी रिंग में, जब ये लड़ती खुले आम एक आदमी सामने खड़ा रहकर इनको सीटी बजाते रहते, कितनी गलत बात है।
बहुत गलत लगा मेरे को. अरे उसको उठा के पटकने का मैं सच्ची बोल. कैसे पटकने का बोलूं सुन. ये तो फिर भी लड़की है, चलता है. योगेश्वर दत्त को सीटी मारने का ऐसा कैसे चलता है रे. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल. क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़.